हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है कुमारी रीमा की रसोई में। आज मैं यम्मी और टेस्टी सा हलवा बनाने जा रही हूँ जो बच्चों को काफ़ी पसंद है। उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आएगा। इसमें लगने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं, मैंने 300 ग्राम के लगभग भुना हुआ रवा लिया है, 200 ग्राम के लगभग चीनी है, 6 से 7 किशमिश लिए हैं, 1 से 2 चम्मच के लगभग ये नारियल बुरादा है, चिरौंजी है थोड़ा सा, 2 ग्लास दूध है। मैं गैस ऑन करूंगी। मैंने रवा को भून लिया, इसलिए इसे भूनना हल्का सा चाहे तो कलर के लिए इसे हल्का भून सकते हैं। बरसात का टाइम आने वाला है, इसलिए मैंने पहले से ही रवा भून करके मैं रखती हूँ स्टोर करके, कि कीड़े ना पड़े। कच्चे रवे में कीड़े पड़ जाते हैं, इसलिए मैंने, आप देख सकते हैं मैंने इतना ही, आप चाहे तो घी ले सकते हैं या रिफाइन यूज कर सकते हैं। पैन गर्म हो चुके हैं, मैं इसमें इसको हल्का सा भूनूंगी। आप देख सकते हैं ये गर्म हो चुके हैं, मैं इसमें रवा डाल रही हूँ। आप इसी के साथ इसमें चिरौंजी भी डाल सकते हैं, वो भी भून जाएगा। आप भी भूने इसको, 2 मिनट के लिए मैं भूनूंगी। 3 इलायची को मैंने कूट करके इसमें डाल दिया है, इसे हल्का सा और भूनूंगी। उसके बाद मैं इसमें चीनी डालूंगी। आप भी इसी तरह भूने, इसे ये भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि मैंने पहले से ही इसको रोस्ट करके रखा था। कारण मैंने रोस्ट करके रखा था, उसका रीज़न भी मैंने आपको सामने एक्सप्लेन किया है। आप देख सकते हैं मैंने इसमें 2 ग्लास के लगभग दूध डाला है, दूध डाल थोड़ा थोड़ा करके दूध डाले और इसे मिलाते थे। इसमें चिरौंजी और आप देख सकते हैं इसमें और साथ 1 ग्लास और दूध पड़ेंगे, लगभग 100 से 200 ग्राम के लगभग दूध होंगे। मैं इसमें चीनी भी ऐड कर लूँगी, आप देख सकते हैं इसी तरह आप चीनी पूरी डाल ले और इसको मिक्स करें। आप चाहें तो इसमें सौंफ भी यूज कर सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं, उतनी टेस्ट से थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। अगर पसंद हो तो नहीं डालें, ऐसे आप स्किप भी कर सकते हैं, मैंने नहीं डाला क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद नहीं है। ये बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है, कभी थोड़ा बहुत मीठा खाने का मन हो तुरंत बनाइए, तुरंत इंजॉय कीजिए, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। और मैं इसमें नारियल बुरादा भी डाल दूँगी, देख सकते हैं 2 चम्मच के लगभग मैंने नारियल बुरादा लिए थे, तो मिक्स कर लूँगी। अब किशमिश जो है जब ये अच्छे से पक जाएंगे, इसे ठंडा करके सर्व करेंगे, उसी में किशमिश से डेकोरेट करूँगी। 2-4 किशमिश मैंने इसमें पहले से कट करके डाल दिए। ड्राई फ्रूट आप आपके पास जो उपलब्ध हो वो आप डाल सकते हैं, उससे टेस्ट और अच्छे से बढ़ जाते हैं और खाने में बहुत ही यम्मी लगते हैं मेरे तरीके से। प्लीज़ आप लोग एक बार बना करके ज़रूर देखें। आप देख सकते हैं कितना सुंदर और प्यारा लग रहा है, प्लीज़ आप लोग भी बनाएं एक बार मेरे खाने पे, आप लोग बनाएं इसे और बच्चों को खिलाएं। आपके बच्चे बार बार इसे बनाने के लिए जिद करेंगे। किशमिश से इसे डेकोरेट कर देंगे। आपके पास काजू पास्ता जो है उससे आप डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं, प्लीज आप लोग भी बनाएं। और कैसा इसका टेस्ट है चेक करके प्लीज़ आप लोग बताएं। उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आएगा, प्लीज़ आप लोग अपने फैमिली के साथ बना करके इंजॉय करें, घर पे रहें, स्वस्थ रहें, प्लीज़ टेस्ट करके बताएं। वाह कितना यम्मी बना है।
थैंक यू, धन्यवाद।